बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द ब्लड एंड गोल्ड। कहानी की शुरुआत एक जंग के दौरान होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एंड्री नाम का सैनिक अपने दुश्मनों से बचकर भाग रहा है। बहुत दूर तक भागने के बाद भी एंड्री उनके हाथ लग जाता है। दुश्मन की टीम से जैक नाम का एक सैनिक एंड्री को पकड़ लेता है और उसे फांसी पे लटकाते है, लेकिन उस समय एंड्री के सामने उसकी लड़की का चेहरा आता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एलिजा नाम की लड़की एंड्री को आजाद करती है और देखती है कि एंड्री अभी जिंदा है। वो उसे अपने साथ घर ले जाती है, उसका इलाज करती है। एलिजा अपने भाई के साथ रहती है जो कि दिमाग से बीमार होता है, लेकिन दूसरों के मामले वो बहुत ही होशियार होता है। अब एंड्री को होश आता है और एलिजा का भाई पीटर उसकी पीठ ठीक करता है, लेकिन अभी भी एंड्री की हालत ठीक नहीं होती। एलिजा कहती है कि नाजी लोग मुझे पसंद नहीं। दरअसल दोस्तों, नाजी लोग यानी कि वो लोग जो एंड्री को फांसी लगा के चले गए थे, नाजी लोग एलिजा को पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने एलिजा के पिता को मारा था, जिस वजह से एलिजा अकेले पीटर के साथ खेतों में रहती है। कहानी आगे बढ़ती है, हमें दिखाया जाता है कि नाजी लोग शहर में आ चुके हैं। अब रिक नाम का एक आदमी होता है जिसका एक होटल और एक बार है। रिक उन नाजी लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन नाजी लोग कहते हैं फिर हमें जॉनसन नाम के आदमी का घर दिखाओ। रिक ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉनसन के घर में कुछ साल पहले सोने की वजह से आग लगी हुई थी। रिक और सोनिया नाम के एक औरत को भी सोने के बारे में पता होता है। फिर भी रिक उन नाजी लोगों को जॉनसन के घर ले जाता है, लेकिन अब वो घर पूरा जल के खाक हो चुका है। ये देखकर नाजी का एक आदमी रिक को खाना लाने बोलता है। आगे एंट्री एलिजा को कहता है कि मुझे घर जाना है, लेकिन एलिजा कहती है कि पहले तो कपड़े दूसरे पहन लो और फिर ठीक हो जाओ, उसके बाद घर चले जाना। अब एलिजा एंड्री को कपड़े देती है। तभी वो देखती है कि बाहर गाड़ी में कुछ नाजी लोग आए हैं और उसके मुर्गों को पकड़ रहे हैं। एलिजा ये देखकर गन लेके बाहर आती है और नाजी को धमकाती है। अब पीटर यानी कि एलिजा का भाई बहुत डरा होता है और उसे संभालने अंदर आती है। तभी उसके पीछे नाजी का आदमी जैक भी अंदर आता है और देखता है कि टेबल पर तीन चाय के कप है, और उसे देखकर जैक समझ जाता है कि इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई है। वो बार बार एलिजा से पूछता है, लेकिन वो मना करती है। जैक गुस्से से एलिजा को खींचता है और उस पे जबरदस्ती करने लगता है। एंड्री ये सब ऊपर से देखकर गुस्से से अब जैक के ऊपर हमला करता है और उनके सभी आदमियों को मार देता है, लेकिन किसी तरह से जैक वहाँ से निकल जाता है। अब एलिजा मरे हुए सभी लोगों के हथियार लेकर एंड्री के साथ पीटर को लेकर जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। रास्ते में पीटर को याद आता है कि उनकी भैंस जिसका नाम रीता है उसे बच्चा होने वाला है और उसका दूध निकालना जरूरी है। एलिजा उसे समझाती है कि अगर वो लोग वापस आए तो नाजी लोग हमें मार देंगे, और उसे आगे लेकर जाती है। वो तीनों एक गुफा के पास जाते हैं और रात होने के कारण वहाँ पर सोने का फैसला करते हैं। अब एंड्री और एलिजा एक जगह पर बैठते हैं। एलिजा एंड्री को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो कि एक सैनिक है और जंग लड़ने गए है। एंड्री भी एलिजा को अपने फैमिली के बारे में बताता है। एंड्री की बीवी युद्ध में मारी गई और उसकी एक छोटी बेटी है जो कि उसके नाना नानी के साथ रहती है। एंड्री कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, शायद मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाऊंगा। एलिजा उसे समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम अपनी बेटी से जरूर मिलोगे। अब सुबह हो चुकी है। एलिजा उठकर पीटर को देखती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। ये देखकर एलिजा परेशान हो जाती है और एंड्री के साथ उसे ढूंढने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है कि शायद वो रीता का दूध निकालने गया है, इसलिए वो दोनों उसकी घर की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने सैनिकों को लेके पीटर को मारने आता है। उन्हें देखकर पीटर रीता को यानी कि भैंस को लेके भागने लगता है, लेकिन जैक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और एंड्री के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जैक उसे उनके साथ ले जाता है और चर्च के सामने खड़ा करता है। जैक पीटर को मारने वाला होता है। तभी चर्च के फादर वहाँ पर आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक फादर को घायल करता है और पीटर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन होशियारी के साथ पीटर जैक के हाथ से गन लेता है और जैक को घायल करता है, लेकिन इस हमले में पीटर की मौत हो जाती है। एलिजा को ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन एंड्री उसे वहाँ से बाहर लाता है। तभी वहाँ पर नाजी लोगों की हेड सैम आता है और वो एलिजा को देखकर प्यार करने लगता है।
अब नाजी के सैनिक एंड्रे को पकड़ने जाते हैं और उसे घायल कर देते हैं। उसी हालत में जैक फादर के घर में घुस जाता है और फादर की वाइफ एंड्रे को इलाज करती है। एंड्रे को देखकर फादर की वाइफ को अपनी बेटी की याद आती है। वो दोनों रात भर बातें करते हैं। एंड्रे फादर से पूछता है कि सैम यहाँ क्यों आया है। फादर कहते हैं कि वो सोना लेने आया है। दूसरी ओर सैम एलिजा के साथ डिनर कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि अब एलिजा बहुत गुस्से में है और इसलिए वो अपने घर के सारे नुकीले चीजें हटा देता है। अब वो एलिजा को शादी के लिए पूछता है और अपना असली चेहरा दिखाता है जो कि जंग के समय खराब हो चुका था। उसका चेहरा देखकर एलिजा घबरा जाती है। वो अपनी आंख से एक रिंग निकालता है और एलिजा को पहनाता है। दूसरी तरफ रिक समझ चुका है कि सैम सोना लिए बगैर जाने वाला नहीं है। दोस्तों दरअसल वो जॉनसन का सोना रिक और उसके दो साथियों के पास होता है जो कि उन्होंने चुराया था। ये बात सैम भी जानता था और इसलिए सैम ने रिक के बेटे को किडनैप किया होता। रिक अपने बेटी की जान बचाने के लिए अपने पार्टनर से बात करता है लेकिन वो नहीं मानते और रिक को मार देते हैं। दूसरी ओर सोनिया नाम की औरत जो कि सोने के बारे में जानती थी वो रिक के पार्टनर के साथ कब्रिस्तान जाती है क्योंकि उन्होंने सोना वहां पर छुपाया था लेकिन उन्हें वहां पर सोना मिलता नहीं जिस वजह से वो तीनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ फादर और उसकी वाइफ एंड्रे को बताते हैं कि बहुत सालों पहले गांव में दो जोविश आए थे। उन्होंने कहा था कि जर्मन के नाजी लोग आएंगे और वो हमें सबको मार देंगे। ये बताते समय गांव के लोगों ने उनके पास जो सोना था उसे देख लिया था। रिक भी उसके बारे में जानता था। एक दिन रिक और सोनिया और उसके साथियों मिलके जोविश का घर जला दिया और उनका सोना चुरा लिया। फादर भी उस सोने के बारे में जानते थे। फादर कहते हैं कि मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके सोना चर्च में छुपा दिया है। कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद भी सोना न मिलने पर सोनिया को याद आता है कि फादर भी सोने के बारे में जानते हैं। दूसरी तरफ एलिजा अपने हाथ में जो अंगूठी होती है उसमें से जहर निकाल के खाती है और वैसे ही सैम को किस करती है जिस वजह से सैम की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद एलिजा वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर एंड्री एलिजा को बचाने के लिए उस सोने के बिस्किट में से एक बिस्किट जैक के सामने फेंकता है और उसके बदले एलिजा को छोड़ने बोलता है। जैक भी मान जाता है और कमरे में जाता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे एलिजा नहीं है और वहाँ पर सैम मरा पड़ा है। लेकिन ये बात एंड्री नहीं जानता। इस बात का फायदा उठा के जैक एंड्री को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर एलिजा फादर के घर पहुँचती है। वहाँ पे फादर नहीं होते सिर्फ उनकी वाइफ होती है। एलिजा उसे सब बताती है। ये सुनने के बाद एलिजा और फादर की वाइफ उनके सारे हथियार लेके एंड्री को बचाने के लिए जाते हैं और वो जानते हैं कि जैक एंड्री को चर्च में ही लेके जाएगा। लेकिन उनके पहुँचने से पहले चर्च में सोनिया और उसके साथी फादर को लेके आते हैं। जान बचाने की कोशिश में फादर उन्हें सोने के बारे में बताते हैं। वो लोग सोना देखते हैं लेकिन उसके साथ बॉम्ब भी होता है जो कि फट जाता। उस ब्लास्ट में सोनिया और उसके साथी घायल हो जाते हैं। दूर खड़े होने की वजह से फादर बच जाते हैं और वहाँ पे सोना गिरा हुआ मिलता है। वो सब सोना लेके निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पे एलिजा और फादर की पत्नी आती है और उन पर रॉकेट बॉम्ब फेंकते हैं जिस वजह से ब्लास्ट होता है। जैक फादर की वाइफ को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को बचा लेती है। एंड्री और एलिजा दोनों सोना वहाँ पे छोड़कर निकल जाती है। जैक अभी भी जिंदा होता है। वो सोना लेने जाता है तभी सोनिया पीछे से उस पर गोली चलाती है और उसकी मौत हो जाती है। सोनिया वो सारा सोना लेके भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सोनिया गाड़ी से वो सोना लेके भाग जा रही होती है तभी अमेरिकन सैनिक उस पे बॉम्ब फेंक देते हैं और वो मर जाती है। बचा हुआ सारा सोना लेके वो सैनिक भी निकल जाते हैं। कुछ सालों बाद एंड्री और एलिजा एक साथ एक गांव में होते तभी उन्हें वहां पे एंड्री की बेटी मिलती है। एंड्री उससे बात करता है और बहुत खुश होता है और उसे गले लगता है। इसी के साथ एक कहानी खत्म होती है।